नमस्कार, आप देख रहे हैं AIN न्यूज। राजनाथ सिंह ने किया बड़ा खुलासा। जानिए, कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखकर उनसे क्या कहा था। अभी हाल ही में यूपी आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करते हुए वायरल हुई तस्वीर को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस तस्वीर को देखकर लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी से क्या कह रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी योगी से कह रहे थे कि योगी जी बैटिंग करते जाइए, अच्छे खिलाड़ी की तरह धड़ाधड़ बल्लेबाजी करिए, नतीजा आपके सामने खुद ब खुद चलकर उजाला होकर आएगा। दिन गुरुवार, स्थान ग्राम फॉर्म। घड़ी की सुइयां दोपहर के 1:50 बज रही थी। इस बीच ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं की मौजूद भीड़ को जिस शख्स का इंतजार था, उनके बोलते ही पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हम बात कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। उनके भाषण की शुरुआत होते ही हर कोई उन्हें सुनने को ललाहित गया। करीब 40 मिनट के भाषण में देश से लेकर प्रदेश तक की बात सीधे शब्दों में सबको साधने की कोशिश की। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की बात कर उनमें जोश भरा रहा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से लेकर प्रदेश के विकास की बात की। कृषि कानूनों को वापसी की बात कर महर्षि दधीची की धरती से किसानों को साधने की कोशिश की। नमीश के जिक्र के साथ भाषण की शुरुआत करते हुए सीतापुर की ख्याति देश विदेश तक में बताकर यहाँ के लोगों का दिल जीतने का प्रयास भी किया। राम भक्तों पर सपा सरकार द्वारा गोलियां चलवाने का बयान देकर इस वर्ग को भी साधने की कोशिश की। दोपहर 1:50 पर शुरू हुआ रक्षा मंत्री का भाषण दोपहर 2:45 पर खत्म हुआ। राजनाथ सिंह हर बड़े मुद्दे पर बेबाकी से बोले, विपक्षियों पर निशाना भी साधा। यूपी की सत्ता संभाल चुके राजनाथ सिंह को बखूबी पता है कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। वही वजह है कि उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि जिला अध्यक्ष से लेकर अन्य पदाधिकारी बूथ कार्यकर्ताओं के पास जरूर जाएं, उनके साथ बैठकें करें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। किसान आंदोलन के अगुवा कर भाकुया मुखिया राकेश टिकैत हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में राकेश टिकैत के पिता का जिक्र कर कहीं न कहीं एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की। कहा कि जब वे सीएम थे उस समय 8 से 10 किसान सीएम आवास पर आ रहे थे। पुलिस अफसरों ने कहा कि वे किसानों को नहीं जाने देंगे, लेकिन मुझे जब इसकी जानकारी हुई तो मैंने सीएम आवास का गेट खुलवा दिया था। किसानों के आने पर मैं उनसे मिला, उनका अभिनंदन किया। भाजपा ऐसी ही पार्टी है। इस वक्त की हमारी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए AIN न्यूज़।